आप इस वीडियो में देख सकते हैं बर्ड फ्लू के बारे में अपडेट्स। जी हाँ, रियासत तेलंगाना के दो वजरा, दो मिनिस्टर्स ई राजेंद्र और श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में एक भी बर्ड फ्लू का केस नहीं है। चिकन और अंडे खाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में देख सकेंगे कि बहादुरपुरा के चिकन सेंटर के मालिक हैदर हुसैन, जो कि चिकन सेंटर चलाते हैं, इनका चिकन का कारोबार है, बिजनेस है, ये ताजिर हैं चिकन के, तो इनका भी बयान आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही साथ हुकूमत हिंद ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है बर्ड फ्लू के बारे में और कौन सी रियासत में, कौन से स्टेट्स में बर्ड फ्लू है, आप ये भी देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इन तमाम जानकारी को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं बर्ड फ्लू के बारे में अपडेट्स। चिकन अंडे खाने से कोई नुकसान नहीं, बर्ड फ्लू की अफवाहों के दरमियान वजरा श्रीनिवास यादव ई राजेंद्र का बयान। वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना में बर्ड फ्लू की कोई अलामत नहीं है। पोल्ट्री इंडस्ट्री को हुकूमत की हर तरह की मदद रहेगी। उन्होंने आज बर्ड फ्लू को रोकने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वजीर सेहत ई राजेंद्र, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों, साइंसदानों, वेटरनरी डॉक्टर्स और आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में बर्ड फ्लू से रियासत को महफूज रखने के लिए एहतियाती इकदाम की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना की पोल्ट्री इंडस्ट्री को मुल्क भर में तीसरा मुकाम हासिल है। यहां से दीगर रियासतों और ममालिक को पोल्ट्री एक्सपोर्ट किया जाता है। चिकन अंडे के खाने से कोई नुकसान नहीं है, हमें इससे प्रोटीन हासिल होता है। दीगर रियासतों में बर्ड फ्लू की वबा शुरू होने की इत्तलात के साथ ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत में चौकसी अख्तियार की गई। इसके लिए 1300 रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को तश्कील दिया गया। रियासती और जिलाई सतह पर महकमा अफजाइश और मवेशियां, सेहत और जंगल के अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियों को तश्कील दिया गया। सरहदी जिला में कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि नलगुंडा, वरंगल, पेद्दापल्ली के चंद मुकामात पर मुर्गियों के अमवात की इत्तलात के बाद हुकूमत ने 276 नमूनों को हासिल करते हुए इसका टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मनफी पर बरामद हुई। इस तरह गुज़िश्ता 3 दिनों से 1000 नमूनों की जाँच की गई, इसकी रिपोर्ट में भी मनफी बरामद हुई। उन्होंने कहा कि इनके तमाम इत्तलात को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, इसलिए अब बड़े पैमाने पर इसकी तशहीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्तन फवक्तन हालात पर नजर रखी जा रही है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि साबिक में बर्ड फ्लू की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ था, इंसानों को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। हमारे जिस्म में कम खर्च में ज्यादा मकदार में प्रोटीन चिकन और अंडे ही देते हैं। उन्होंने कहा कि उबाले हुए और गर्म किए हुए चिकन और अंडों से कोई नुकसान नहीं होता। आप ये कितने साल से कारोबार करते हैं? अभी अलहमदिल्ला मेरे वालिद साहब के ज़माने से बिजनेस मेरा। डेली कितने किलो मुर्गी आपके यहाँ सेल होती है? मेरे लिए 3.5 कारोबार मुझे डेली सप्लाई होती है। यानी कितने कुंटल? 5.5-6 कुंटल। तो ये काम कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? हैदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद पूरे होटल सप्लाई है। यानी ये जो बावर्ची होटल्स जो है वो पूरे बावर्ची होटल्स, रुमाल ग्रुप, सफीना होटल, अभी तकरीबन होटल्स है जिसको हम सप्लाई करते हैं। तो जैसा बर्ड फ्लू आने के में कुछ इफेक्ट हुआ क्या कारोबार पे? नहीं नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम आवाम को पता है कि ये सब अफवाह है, ये अफवाह होगी, तमाम आवाम होशियार हो गई है जो समझ सकती है कि क्या है क्या नहीं है। ये तमाम लोग हैं जिसके अफवाह उड़ा रहे हैं, जैसा बर्ड फ्लू है ये है वो सब अपनी अपनी जहनीत की बात है। बर्ड फ्लू है मगर दिल्ली, केरला, मध्य प्रदेश वो स्टेटों में है। अलहमदिल्ला अपने तेलंगाना में कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। चिकन वहाँ से खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं, चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक अफवाह है कि जैसा मुर्गी 110 रुपये किलो हो गई थी, वही हिसाब से उसका रेट कम करने के लिए ये बदनाम करे मुर्गी को, और भी बात नहीं। 10 रियासतों में बर्ड फ्लू की तौसीक, इंसानों में मुंतकिली की कोई इत्तलात नहीं, मरकज ने कहा। मरकज ने कहा कि अब तक 10 रियासतों में बर्ड फ्लू की तौसीक की गई है। मरकज ने तालाबों, परिंदों की मंडियों, जू और पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है।
महकमा एनिमल हस्बेंड्री व डायरी ने एक बयान में बताया कि 11 जनवरी तक मुल्क की 10 रियासतों में बर्ड फ्लू की तौसीख की गई है। ये 10 जनवरी तक 7 रियासतों केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की तौसीख की गई थी। पीर को दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की तौसीख की गई। रियासतों से कहा गया है कि वो आवाम में बेदारी पैदा करें और गलत मालूमात ना फैलाएं। मरकज ने रियासतों को हिदायत दी कि जानवरों को तलब करने के ऑपरेशंस के लिए दरकार आलात और पीपीई किट्स के मुनासिब स्टॉक को यकीनी बनाएं। इस दौरान मरकज ने तमाम रियासतों से कहा कि वो मंडियों को बंद ना करें और पोल्ट्री मसनूआत की फरोख्त पर तहदीदात आयद ना करें, क्योंकि इंसानों में बर्ड फ्लू की मुंतकली की कोई साइंटिफिक इत्तला नहीं है। वजीर समकियात एनिमल हस्बेंड्री व डायरी गिरिराज सिंह ने सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सारिफिन को खौफजदा नहीं होना चाहिए। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासती हुकूमतों से कहा कि वो चौकस रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुकामी इंतजामिया तालाबों, जू और पोल्ट्री फार्म जैसे मुकामात पर करीबी नजर रखे। मोदी ने कहा कि वजारत समकियात एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने इस मसले से निपटने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के साथ कोविड 19 की सूरत हाल और टीका अंदाजी के बारे में गौर के लिए होने वाली वर्चुअल मीटिंग में यह बात कही।